अच्छा पूजा करनी पड़े या पंखा चल रहा है? एक मिनट आरती बस यहाँ बाबा को कर दो, यहाँ बाबा ऊपर ऊपर बाबा करती दे दो। हम मशीन के ऊपर चढ़ के करती है, जा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी पता है आज पूरे दिन वीडियो शूट नहीं की और अब करने के लिए आई हूँ, मन नहीं था लेकिन फिर मुझे लगा कि आप लोगों की डांट पड़ेगी तो लाओ मैं कर लेती हूँ। तो कैरम वगैरह खेली, वो हमारा रोज का काम है। और उसके बाद फिर घर साफ किया क्योंकि वो तो गंदा हो ही जाता है, वो सब कर दिया। और अब मैं आई हूँ किचन में, तो खाना आज कुछ भी नहीं बनाऊंगी, बनाऊंगी यानी कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मैं सिंपल से दाल चावल बना रही हूँ और कुछ भी बनाने का मन नहीं है, खाने का मन नहीं है। तो जेने का कि दाल चावल बना लो, आज कुछ भी रेसिपी वगैरह मत बनाना क्योंकि सारे दिन बैठ के जब कैरम खेलते हैं ना तो पेट ऐसा लगता है कि जैसे फूल गया हो बैठे बैठे, एकदम गैसी बनने लगती है। तो बोले कि खाली दाल चावल बना लो, हल्का सा खाना और कुछ नहीं। तो ये मूंग की, ये क्या बोलते हैं, किसकी दाल बोलते हैं इसको, अरहर की, उड़द की, अरहर की दाल, तुअर दाल। तो ये क्या है कि स्टोर करके रखी थी घर में, वो रखा था सामान सारा, तो मैंने कहा कि डब्बे में खाली होगी तो चलो उसकी रिफिल कर लेती हूँ। और मैं दाल में लगाती हूँ तड़का, और तड़का क्यों लगाऊंगी अभी तो मुझे दाल गलानी है, तो पहले मैं दाल गला लूँ उसके बाद ना मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं दाल के पैकेट को खोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी निकाली है दाल हमारे जो स्टोरेज बॉक्स था वहाँ से, और अभी मैं थोड़ी सी दाल ले लूँगी बनाने के लिए। और यहाँ पर देखो बच्चे मांग रहे हैं सूखा नारियल, तो ये लोग ये वाला नारियल इतना ज़्यादा खाते हैं, कल मैंने चटनी बनाई थी तो ये थोड़ा रह गया था तो बस उन लोगों को खाने के लिए चाहिए, लेकिन मैं उनको ज़्यादा नहीं देती हूँ क्योंकि सूखा हुआ नारियल गर्मियों में नुकसान करता है, तो मैंने बस उनको मना कर दिया क्योंकि ना मेरे बच्चे अनलिमिटेड खाते हैं, जब तक ये चीज़ ख़त्म ना हो जाए ना तब तक खाते हैं। तो मैंने खा लिया और मैंने कहा कि ख़त्म हो गया तो फिर वो लोग चले गए, नहीं तो फिर जिद करते रहते। और उसके बाद मैंने दाल को भी रिफ़िल कर दिया कंटेनर के अंदर, और एक बार दाल को मैं चेक कर लूँगी कि कहीं कुछ गंदगी या कचड़ा तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दाल को धो लेती हूँ, एक बार नल के पानी से धोती हूँ और एक बार जो हमारे वहाँ कंटेनर में पानी रहता है उसमें से धो के रख लेती हूँ। क्यों, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा फूलने के लिए दाल को रख दी है, जब तक कि मैं प्याज वगैरह सब चीज़ें भूनूंगी तब तक दाल अच्छी से फूल जाएगी। और अभी तो मैं काफ़ी जो एक्स्ट्रा के काम है मेरे किचन के वो कर रही हूँ, जो जो डब्बे मेरे खाली हो गए थे उनको रिफ़िल कर रही हूँ। तो दाल मैंने रिफ़िल कर दी, और यहाँ पर जो सूखे हुए धनिया होते हैं, धनिया पाउडर, वो मैं यहाँ पर रिफ़िल कर रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें लाकर तो घर में ही रख ली थी। और इस बार तो पूरे महीने का राशन हमने भर लिया था क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन था, तो जितना हो सके उतना घर से कम बाहर जाएं वो ज़्यादा बेटर होगा। तो बस यहाँ पर अभी मैं उसी को रिफ़िल कर रही हूँ, और ये पूरा एक डब्बा 500 ग्राम का है, और ये जो डब्बा है इसके अंदर आ जाता है, बस उसको थोड़ा सा आपको पुश करके और अच्छे से दबा दबा के भरना होता है तो आ जाता है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको आराम से ना इसी एक डब्बे के अंदर भर लेती हूँ क्योंकि फिर पैकेट में बच जाता है ना, तो कभी कभी उसको भूल भी जाते हैं हम यूज़ करना, या तो फिर वो इधर उधर हो जाता है, कितना भी संभाल कर रखो तो लेकिन माइंड में से कभी कभी चीज़ें आउट हो ही जाती हैं। तो मैं कोशिश कर रही थी कि इसमें आ जाए, और फिलहाल उसके अंदर ही आ गया पूरा का पूरा पैकेट, तो मुझे अच्छा लगा। और बस यहाँ पे उसके बाद फिर मैं दाल बनाना स्टार्ट कर दूँगी, राइस पहले राइस रख दूँगी उसके बाद मैं दाल बनाऊँगी, क्योंकि जब तक राइस यहाँ पे दाल बनेगी तब तक राइस भी मेरे बन जाएंगे तो दोनों चीज़ें एक साथ बन जाएंगी। और वैसे भी दाल चावल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मान लो, बस इतना ही टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन दोनों चीज़ों को धो लिया, और उसके बाद अब मैं दोनों चीज़ों को कट करूँगी बिल्कुल जैसे कि हम दाल में तड़का लगाते हैं उसी तरह से उनको रेडी कर लूँगी। तो मैं ना आज आप लोगों से एक कमेंट के बारे में बात करने वाली थी, एक पता नहीं फिर से कोई आ गई और इतना उल्टा सीधा बोल रही थी जय के बारे में, तो मुझे सच में बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले मेरा मन तो आया कि मैं इनको अच्छा खासा जवाब दे दूँ, फिर मैंने कहा कि कौन इनके मुंह लगे, इनकी तो फितरत ही ऐसी होती है। अब उनको कुछ नहीं मिला तो अब उनको मेरे पति मिल गए तो उन पर उल्टे सीधे कमेंट करने लगी। तो भैया मुझे लगता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा पति है नहीं, इसके लिए तुमको दूसरे के पति को देख के जलन हो रही है, तो ऐसा करो अपने पति के पास जाओ और अपनी जलन मिटाओ, दूसरे के पति को क्यों देख रहे हो भैया और क्यों उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हो, तुम्हारा तो ना वो खाने आ रहे हैं ना तुम्हारे पास वो रहने आ रहे हैं, और अगर जलना है तो जलो और ऐसे ही मरते जाओ, देखो मेरे पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आज तुम पहले तुम मुझसे जलती थी, अब तुमको मेरे पति से भी जलन होने लगी है। तो भैया मैं अगर मेरे पति को तो ये नहीं कि तुम जैसों की नज़र लगेगी ही नहीं, उनकी नज़र उतार कर ना मैं तुम जैसों को ब्लॉक कर देती हूँ, तो यही मानो कि उनकी नज़र उतार कर मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इतनी घटिया और इतनी वाहियात औरत कहूँगी मैं उसको, औरत ही थी वो,
कहूँगी, क्योंकि उसने इतना गंदा कमेंट किया ना कि मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकती। इतनी घटिया औरत है वो, शायद वो औरत ही नहीं है, या तो उसको कभी अपना पति का प्यार ही नहीं मिला हो, शायद वो इस टाइप की औरत है, तभी उसने आके इतना गंदा कमेंट किया था, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। तो चलो छोले जाने दो, उसको मरने दो। तो यहाँ पर है ना, मैंने हरी मिर्च और प्याज को धो लिया है, वो मैंने धो के थोड़ी देर पानी में रख दी थी डिप करके, ताकि प्याज का और हरी मिर्च का तीखापन थोड़ा कम हो जाए। और यहाँ पर अब मैं दाल के तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल में मैंने डाला है जीरा और थोड़ी सी राई, और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने घर पे, अभी कल्लड़ में ही कूटा है मैंने। और उसके बाद जब वो थोड़ा सा भुन जाएगा तो प्याज डाल दूंगी, और प्याज को भी अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल पिंकिश कर लेनी है। और जब प्याज हो जाएगी उसके बाद मैं डाल दूंगी यहाँ पे टमाटर, क्योंकि पहले मसाला डालूंगी तो फिर वो जलने लगेगा, तो मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है। और उसके बाद जब टमाटर थोड़ा सा कुक हो जाएगा ना, उसके बाद मैं डालूंगी जो अपने ड्राई जो मसाले होते हैं, बेसिक मसाले वो। तो यहाँ पर एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा आधी चम्मच के करीबन अमचूर पाउडर, और एक चम्मच के करीबन मैंने डाला है दाल मसाला। तो इन सारी चीज़ों को डाल के मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी, और जो दाल मैंने सोप करने रखी थी उसी का पानी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, ताकि मसाला पक जाए। और मसाला पक गया तो जो मैंने दाल को भीगने के लिए रखा था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, और करीबन मैंने यहाँ पे डेढ़ गिलास के करीबन पानी रखा था, मैं अंदाजे से बता रही हूँ क्योंकि मिनिमम इतना ही पानी था। तो डेढ़ गिलास के करीबन मैंने यहाँ पे पानी रख दिया, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, और उसके बाद बस ढक्कन लगा देंगे। और ऐसा हुआ था कि रिंग अंदर ही गिर गई थी, तो मैंने सोचा स्किप क्यों करूँ, जो गलतियाँ होती हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी बनती हैं। तो बस ये हादसा हुआ था छोटा सा, और यहाँ पे मैंने कुकर में सीटी आने के लिए छोड़ दिए, 3 सीटी के अंदर ही दाल हो गई थी। और यहाँ तेल गरम कर लिया मैंने सरसों का, उसके बाद जो प्याज और हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी उनको मैंने यहाँ पे ना अच्छे से बस ऑयल में मिक्स कर लेना है इनको, और ऑयल को बहुत ज़्यादा हाई गरम नहीं करना होता, इसमें थोड़ा सा गरम करना होता है, क्योंकि एकदम से गरम तेल में अगर आप हरी मिर्च और प्याज डालोगे तो छींटे भी आएंगे आप पर, और पूरी प्याज और हरी मिर्च जल जाती है। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया, और नमक को डाल के मैं इनको अच्छे से पकने दूंगी जब तक कि दोनों चीज़ें बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाएं। और जब ये चीज़ें सॉफ्ट हो गई प्याज और हरी मिर्च, उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और उसके बाद डालूंगी यहाँ पे मैं एक चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि यहाँ पर मुझे नींबू डालना था लेकिन मेरे घर में नींबू ख़त्म हो गया था, लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया, अगर आपके घर लेमन जूस हो यानी नींबू हो तो आप नींबू डाल दें, अगर वो भी ना हो तो विनेगर डाल दें। मुझे बाद में ध्यान आया कि मैं यहाँ पे विनेगर ऐड कर सकती थी, तो चलो कभी कभी भूल जाते हैं, माइंड से निकल जाता है। तो जब ये हो गई 5 से 10 मिनट ही लगती है इसको बनने में, और फिर मैंने हरे धनिया डाल दिए, और ये हमारा जो कचूमर है ये बनके रेडी हो चुका है। ये जय की फेवरेट डिश है, लेकिन हरी मिर्च बहुत तीखी निकल गई थी, खाने में बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। और मैं अब आपको दाल दिखाती हूँ कि दाल कितनी अच्छी बनी है, 3 सीटी लगी और दाल बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी, और इसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितनी अच्छी दाल लगी। इसके बाद मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दूंगी, आप चाहें तो गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दाल का मसाला डाला था इसलिए मैंने नहीं डाला। और उसके बाद यहाँ पे सुबह की आलू बैंगन की सब्ज़ी रखी थी जो मैंने गरम कर ली थी, और उसके बाद बस यहाँ पे मैं जय के लिए भी खाना लेके जा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने लिए खाना लगाऊंगी। और आज हमने सलाद नहीं काटा क्योंकि खाने में इतनी सारी चीज़ें हो गई थी कि सलाद काटना मुझे ठीक ही नहीं लगा, और वैसे भी हरी मिर्च और प्याज थी तो मैंने सलाद नहीं काटा था। तो चलिए अब मैं जय को पहले खाना दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको खाना दूंगी, यानी हम खाना खाएंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर मेरी थाली में ही खाते हो, जय को तो मैं अलग से ही देती हूँ। तो चलिए पहले मैं उनको देख के आती हूँ। और मैंने दाल में डाला है देसी घी, क्योंकि दाल चावल अगर हम खा रहे हैं, रोटी नहीं है, तो देसी घी डालना तो बनता है। और अब देखिए आप फाइनल दाल है ना, टेस्टी। तो ये मेरी थाली है जिसमें कि आपको करेले की सब्ज़ी दिखेगी, क्योंकि जय की थाली में करेले की सब्ज़ी नहीं होती है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ डिनर कर लीजिए। हेलो एवरीवन, और अभी पता है रात के बज रहे हैं 10:30, और हम लोग ना रामायण देख रहे हैं, बस वो एंड होने वाला है, आर स्टार्ट हो गई। एक मिनट मैं थोड़ी देर में देख लूँ फिर आपसे बात करती हूँ, ना क्या बात है मोजू, क्या परेशानी बेटा? कहाँ बैठना है? दीदी बैठी है मेरे पास। नहीं नहीं मैं बात करती हूँ बेटा, इससे कहाँ लग रही है तुम्हारे, कहाँ लग रही है बताओ पहले, कहाँ बैठोगे? दीदी के लग गई मोलू बाल में, दीदी के आया आरु, तुम मेरे गोद में बैठ जाता बेटा, आया ये राक्षस है, शैतान है।
हाँ तुम हो, तुम आओ दीदी तो अच्छी है। मेरी गोदी में बैठी है ना तो चिड़ रहा है, चिड़ेला देखो। बोले दीदी जी चिड़ता है। आप सोच लोगे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, इसलिए कि मन नहीं लगता ना बनाने का। है मन नहीं लगता, मेरी आरू कितना काम करती है, उसका ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता। सारे दिन कैरम खेलते रहते मम्मी के साथ में। अच्छा गोटियाँ इकट्ठी कर लेते हो। मोलू गोटी कैसे इकट्ठी करता है? मोलू गोटी छुड़ाली 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 ऐसे करके रोता रहता है। और इधर देखो मेरे घर में ना एक इंसान, इसको तो बस खाया और सोना दो काम आते हैं। देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं तो सो रहे हैं। देखो हम लोग रामायण देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं तो बोलते हैं कि मुझे मत जगा देना, अगर किसी को सोना है तो चुपचाप आके सो जाना, मुझे डिस्टर्ब मत कर देना। और गए सोने, गया मोलू, गया मोलू परेशान करने गया। लो मैं ही हट जाती हूँ, बेटा ये बैठने नहीं दे रहा। मैं किचन की लाइट बंद करके आती, तुम दोनों भाई बहन बैठ जाओ। अब मैं हट जाऊंगी तो अपने आप चला जाएगा, दिख गया ना। अरे नहीं 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 अभी रुको, तो एक मिनट बैठो मैं बात कर लू उसके बाद। हो चलो वो बंद करो, 10:30 बज गए। और बेटा सुना रू मोलू की ना वो निकाल लेना, पजामी निकाल लेना अलमारी में से। और हाँ क्या कह रही थी, खाना पीना सब कंप्लीट हो गया। और देखो रात का पूरा काम मेरा कंप्लीट, लेकिन आज मैंने कुछ भी काम नहीं दिखाया, वही मेरा रोज का काम है। और आप लोगों को एक बात पता नहीं, कल आरू मोलू ने ना मेरे जो वो क्या बोलते हैं मूंग की दाल की जो मैंने बनाई थी ना ग्रेवी, वो मोलू ने खराब कर दी थी। और आज देखो क्या किया, ये ना इसके अंदर नींबू का अचार रखा है, आपको दिख रहा है ना। और मैं अंदर थी और मुझे लगा कि मोलू कुछ कर रहा है किचन में, तो आई ने तो देखा उसने नींबू के अचार के अंदर सॉस डाल दिया। आजकल ना उसके यहाँ तक हाथ पहुंचने लगा है तो वो कुछ ना कुछ नित नया करता रहता है, तो उसने ये पूरा अचार ना आलू का खराब कर दिया। कल वो खराब किया, आज ये खराब किया, बहुत तूफानी लड़का है देखो, फिर आ गया। और मशीन में पाउडर डाल देता है, मशीन में बॉल डाल देता है, देखो है ना उद्यमी, एक नंबर का उद्यमी है लड़का। पापा पे नहीं है, पापा तो ऐसे ही है सीधे साधे से, मम्मी पे गहरे मम्मी से ध्यान थी ना। और चलो बेटा आरू जा, तुम टॉयलेट जाओ और चलो सोने कर ली। चलो 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 गुड नाइट करो। अरे एक मिनट लाइट नहीं बंद करो, चलो तुम दोनों गुड नाइट बोल दो। बाहर के नहीं करते टॉयलेट, चलो जाओ। बोलो तुम तो गुड नाइट बोल दो, इधर गुड नाइट बोल दो, दीदी तो गई टॉयलेट कर ली। पॉटी पॉटी नहीं गई है, चुच्चू करने वाली है, सोचो लाइट नहीं बंद करनी। अच्छा चलो दीदी आ गई, आ गई दीदी आ गई। और दीदी ने ना पायल पहनी है, दिखा बेटा पायल, दिखा अपनी, दिखो पायल। अभी क्या है कि लॉकडाउन की वजह से वो घर में ही रह रही है ना, तो मैंने पहना दिए। बोलो नहीं लाइट नहीं बंद करते, मम्मी बात कर रही है, कर दे जा करके आ जाओ, पैंट उतारो अपना, पैंट उतारो। तो क्या है कि अभी वो कहीं जाती नहीं है, घर में ही रहती है ना। वैसे क्या है कि मैं उसको ना पायल वगैरह नहीं पहनाती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि चीजों को देखकर इंसान बच्चों को उठा ले आते, तो मैं उसको कोई ऐसी चीज ही नहीं पहनाती कि ऐसा कोई रिस्क हो मेरी आरू के साथ। वो बहुत रोती है, मम्मी मुझे पायल पहना दो, पायल पहना दो। तो फिर ना मैंने उसको कल ही पहनाई, मोलू को भी पहनाई थी, उसको भी पहनाई थी, तो मोलू ने तो अपनी उतार दी। और वो आरू की छोटी की थी ना वही वाली रखी थी, तो मोलू को पहना दी थी। तो आज आरू ने अभी उतारी नहीं है, पर मैं उससे ना एक दो दिन में उतरवा लूंगी, मैं पहना के नहीं रखती हूँ। रामायण नहीं, राम भगवान, भगवान। तो चलिए चलो इसको ले चलो। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं सोने, ऐसा कर लेती हूँ। अभी तो नहीं जा रहे, हाँ अभी हम रामायण देख रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सोने। और ब्लॉग बिल्कुल छोटू सा बना है क्योंकि सच में मन नहीं था, है ना। फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट की। और पता है जो मैंने मिर्ची और हरी प्याज की जो नहीं हरी मिर्ची और प्याज की जो मैंने सब्जी बनाई थी ना, उसको हमारे वहाँ पे ना वो कहते हैं, हेलो देखा इधर को नारा डाल के आया अपनी पजामी का, उसको हमारे वहाँ क्या बोलते हैं, कचूमर बोलते हैं। यस उसमें ना जय ने बड़े शौक से बनवाई, उन्हीं ने बनवाई, मैंने तो नहीं खाई, मुझे तो बहुत है। मैंने प्याज है ना उसमें से छेक ली
और ऐसे खाई, और जैन ने पता है खाई तो सही, उनको पसीना पसीना आ गया बहुत ज्यादा, और मिर्ची लगती जा रही और खाते जा रहे हैं। मैं तो भैया मिर्ची वाली चीजें खाती नहीं हूँ, मैंने उसमें से प्याज प्याज निकाल ली और खा ली। लेकिन है ना, अगर वो तीखी नहीं होती है ना मिर्ची, तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और इस तरह से ना आप लोग दाल बना के एक बार ट्राई करना, और म्यूट करना बेटा आवाज, इसका म्यूजिक आएगा। तो एक बार है ना आप लोग भी इस तरह से ना बना के ट्राई करना दाल, जैसे मैंने बनाई थी ना उस तरीके से, बहुत ही ज्यादा टेस्ट आता है। और सबसे बढ़िया वो काम पता है क्या है, एक तो तड़के के लिए दूसरा बर्तन नहीं बिगाड़ना पड़ता, और एक बार आप ट्राई करके देखना, देखो आपका काम भी बचेगा और आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। मैं वैसे पता सूट नहीं कर रही थी, पर आज मैं दाल इस तरह से बना रही थी ना, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ सूट करूँ, शायद आप लोगों को ये ये जो तरीका है मेरा जो दाल बनाने का, वो शायद आपको अच्छा लगे, और वाकई काफ़ी हेल्पफुल होता है। मुझे तो पता है जहाँ मेरी दाल पहले बॉयल होती थी, फिर तड़का लगाती थी, दो बर्तन बिगड़ते थे, टाइम भी बिगड़ता था, सारा काम एक ही साथ हो गया, मैं तो आज हैप्पी हो गई। तो आई होप आप लोगों को भी मेरी ये वाली खुशी मिले अगर आप दाल इस तरह से बनाते हो। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। चलो सुनो, अब पता है लड़ाई होने वाली है दोनों में, वो बोलेगी मुझे मम्मी के पास होना है, वो बोलेगा मुझे मम्मी के पास होना है। अब एक मम्मी कहाँ कहाँ जाए, और उसकी एक पता है एक आदत क्या है मोलू की, उसको आरू भी चाहिए सोने में और मम्मी भी चाहिए, पहले इस साइड आरू सोती है, फिर खुद सोता है, फिर मुझे सुलाता है। और अगर मैंने इसको बोला ना कि बेटा तुम इस साइड आ जाओ, मैं बीच में सो जाती, तो बोलता है आरू नहीं है, आरू भी साथ में चाहिए, आरू के ऊपर हाथ रख के सोता है, मुझे मुझे मारेगा, और आरू को ही मारता है, लेकिन आरू के बिना सोता भी नहीं है। तो ये होता है बच्चों का प्यार, बच्चे तो नोकझोंक भी करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, गिर गई देखो पल पल में गिरता है, खड़ा हो, कुछ नहीं मुड़ गया उसका, खड़ा खड़ा जल्दी नहीं उठा, आरू उठा, आरू उठा, बहुत वैसा है। चलो गुड नाइट, अरे गुड नाइट बोलो, मोलू गुड नाइट बोलो, हो गई रामायण खत्म, अच्छे से बोल दो दोनों, मोलू भी अच्छे से बोलता है, हाँ आरू ने तो अच्छे से बोला, ये खुरा पाती नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ना, गुत्ता गुड नाइट की जगह गुत्ता, एक बार और बोलते गुड नाइट, ये आप डिसाइड करना कि मोलू आपको गुड नाइट बोल रहा है कि गाली दे रहा है, कुत्ता कैसे बोला मोलू, गुड गुड नाइट बोलना नहीं आता तो कुत्ता बोलता, तो हम लोग उसे नहीं बुलवाते, इसीलिए आज मैंने बोला कि मोलू गुड नाइट बोलना, वो ऐसे ही बोलता है, तो प्लीज सॉरी, वो गाली नहीं दे रहा, वो गुड नाइट बोल रहा है, लेकिन वो बोलता ही ऐसे, ओके चलो बाय गुड नाइट।